हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइव मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज के इस वीडियो में एक और नया क्वेश्चन टाइप रिलेटेड टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक लेके आ गया हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक्स और वाई ये दो एलिमेंट है, दो नंबर है, वेरी इन्वर्सली एक्स एंड वाई वेरी इन्वर्सली टू ईच अदर व्हेन एक्स इज 12 एंड वाई इज 9। अब इस फैक्ट के ऊपर अभी हमें पता करना है कि देन विच ऑफ दीज इज नॉट अ पॉसिबल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई। एमसीक्यू दिए हुआ है और बोला गया कि इसमें से कौन सा वो पॉसिबल एक्स और वाई पेयर नहीं है। ओके, एक्स एंड वाई की वो कौन सी ऐसी पर्टिकुलर वैल्यूज है जो कि नॉट पॉसिबल है फॉर दिस रिस्पेक्टिव अबव कंडीशन। नॉट पॉसिबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार हम लोग ये मिस आउट कर देते हैं ये मिस आउट नहीं करना है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? बड़ा ही आसान है यार, बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे? इनवर्सली बताया गया है, दे आर वेरिंग इनवर्सली। मतलब क्या कि यहां पे x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू y। सिंपल सिंपल। अब मुझे क्या करना है, इसके साथ नहीं खेलना है, मुझे इसके साथ खेलना है। मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको हटा दूंगा और इसको यहां पे लगा दूंगा। लेकिन लगाने के लिए यहां पे एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, वो लेट्स कंसीडर मैंने कांस्टेंट ले लिया k। ये हम लोग बहुत बार डेरिवेशंस में करते आए हैं, बराबर है नहीं, करते आए हैं ना। ओके, सो ये मैंने कांस्टेंट ले लिया। अब इस हिसाब से k जो है उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी विच इज x इंटू वाई। सिंपल। अब इसी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि इनवर्स कब है, जब यहाँ पे व्हेन x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 9। लेट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 108। ये है वो वैल्यू k की 108 जो कांस्टेंट है। अब अपने को क्या देखना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके देखना है। जिसकी भी वैल्यू 108 नहीं आएगी वो अपना आंसर है, जिसकी भी वैल्यू 108 आएगी वो अपना आंसर नहीं है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द आंसर। तो अभी अगर आप ये मल्टीप्लाई करके देखोगे, कुछ भी करके देखो, 12 इंटू 9 करो या फिर 9 इंटू 12 करो, आंसर तो 108 ही आना है। तो ये तो अपना आंसर नहीं है, करेक्ट, ये तो आंसर नहीं है, बिकॉज इसका जो टोटल है मल्टीप्लीकेशन वो 108 आ रहा है, विच इज द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट के। ओके, तो ये तो नहीं आंसर, ये भी अपना आंसर नहीं है। सॉरी, मैं टिक मार रहा हूं, क्या ठीक है, उसको मैं क्रॉस करता हूं। ये अपना आंसर नहीं है, ये भी अपना आंसर नहीं है, ठीक है, ये भी अपना आंसर नहीं है। इफ यू चेक, ओके, इफ यू सी हेयर, तो ये भी अपना आंसर जो है वो नहीं है। 6 3 इट इज इक्वल टू एंड देन 108, 3 9, 9 + 1 10। ओके, तो फिर कौन बाबू साहब बचते हैं यहाँ पे, ये बचता है सी, दैट इज 24 × 18। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वो 108 नहीं आता, और इसी का मतलब ये है कि दिस इज नॉट पॉसिबल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई। सो ये अपना क्या है, आंसर है। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। कैसे सॉल्व करना है, एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक है, उसके थ्रू आपको ये सिंपल आंसर तक आप अपने पहुंच सकते हो। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।